शिकार और शिकारी के बीच की जद्दोजहद तो जंगल के भाग्य में लिखी है। यहाँ हर दिन शिकारी उठता है और खाने के लिए किसी शिकार की खोज करता है। वही शिकार अपनी जान बचाने की तरकीब खोजता है। कभी तो शिकार अपने शिकारी के जाल में फंस जाता है और उसके मुंह का निवाला बन जाता है, तो कभी बच निकलने में कामयाब हो जाता है। कभी उसे तो किस्मत का साथ मिलता है, तो कभी कोई और जानवर आकर उसकी जान बचा लेता है, तो कभी वो हिम्मत करके अपने ही शिकारी से भिड़ जाता है और उसे हरा देता है, तो कभी किसी चालाकी से बच निकलता है। आज की वीडियो में हम उन मौकों पर नजर डालेंगे जब शिकार होने वाले जानवर अपने शिकारी के चंगुल से बच निकलते हैं। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए, ये वीडियो आपको इतनी एक्साइटिंग लगने वाली है कि आप बस सांस रोक कर इसे आखिरी तक देखते ही रहेंगे। नंबर 14, एंटीलोप एस्केप्स फ्रॉम लायन। एंटीलोप शेरों का फेवरेट शिकार होते हैं, क्योंकि ये छोटे और कम ताकतवर होते हैं, और एक बार पकड़ में आ गए तो इन्हें जान से मारने में शेर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर पकड़ में आए तब ना, एंटीलोप इतने फुर्तीले होते हैं कि इन्हें पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। शेर जैसे खूंखार शिकारी को भी पिछवाड़े तक का जोर लगाना पड़ता है इन्हें पकड़ने के लिए। अब जरा इस वीडियो में ही देख लीजिए, यह एंटीलोप आराम से पानी पी रहा था कि अचानक एक शेरनी दौड़ते हुए आई उसकी तरफ। वह भी फटाक से पलटा और भागा। जैसे ही शेर उस तक पहुंचा, उसने चालाकी से अपनी डायरेक्शन बदल ली और निकल भागा। बेचारी शेरनी उल्लू बन गई। नंबर 13, बफलो एस्केप्स फ्रॉम लायन। बफलो साइज में बड़ी होती है और एक ही बार में शेर के परिवार की कई दिनों की भूख की टेंशन खत्म कर देती है। इसलिए अक्सर शेर की नजर बफलो पर रहती है और वो झुंड में इन पर हमला करते हैं ताकि इस बड़े भारी जानवर को संभाला जा सके। मगर ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया पलट गई है, अब भैंस शेरों का शिकार करने लगी है। देखिए कैसे ये भैंस इस शेरनी के पीछे भाग रही है। आज तो इस शेरनी को इस पापी देह से मुक्त करवा कर ही मानेगी। कहीं ऐसा तो नहीं नवरात्रि खत्म हो गई हो तो आज भैंस का मूड हो गया है नॉनवेज खाने का। नंबर 12, रैबिट एस्केप्स फ्रॉम हॉक। ऐसा बहुत कम बार ही होता है कि हॉक यानी बाज ने किसी रैबिट को निशाना बनाया हो या रैबिट बचकर भागने में सफल हो गया हो, मगर कभी कभी कुछ होशियार खरगोश बाज को भी मात दे देते हैं। अब इसी वीडियो में देख लीजिए कैसे इस बाज ने इस रैबिट पर झपट्टा मारा, मगर रैबिट ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि अगर ये ओलंपिक में भाग ले तो पक्का मेडल जीत ले। इस एक और वीडियो में देखिए किस तरह ये हॉक रैबिट के पीछे पड़ा हुआ है और रैबिट इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। आखिरकार रैबिट जीत गया और हॉक भूखे पेट है। नंबर 10, इगुआना एस्केप्स फ्रॉम स्नेक्स। इस वीडियो में देखिए कैसे सारे के सारे सांप एक साथ पूरी प्लानिंग के साथ इस इगुआना का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इगुआना को जैसे ही भनक लगती है कि सांपों का पूरा गांव उठकर आ गया है उस नन्ही सी जान की जान लेने, तो वो बचकर भागने लगती है, मगर सांप उसे पकड़ लेते हैं और आपस में एक दूसरे में उलझकर किसी तरह इगुआना को फंसाने की कोशिश करते हैं, मगर इगुआना सांपों से ज्यादा होशियार है। वो किसी तरह सांपों को वही उलझा हुआ छोड़कर बाहर निकल आती है और भाग जाती है। इतने सारे सांप मिलकर एक छोटी सी छिपकली से हार गए। नंबर 9, बुशबक एस्केप्स फ्रॉम क्रोकोडाइल। बुशबक भी हिरण की ही एक प्रजाति होती है जो सदर्न अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ देखिए ये बुशबक प्यास से तड़पता हुआ नदी किनारे पहुँचता है, मगर जिस अंदाज से डरते सहमते हुए पानी की तरफ बढ़ रहा है, देखकर साफ समझ आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और जानता है कि पानी में भी शैतान शिकारी घात लगाकर बैठे रहते हैं और यहाँ उसकी जान को खतरा है, मगर फिर भी खुद को पानी पीने से बेचारा रोक नहीं पा रहा है। पानी नहीं पिएगा तो शिकारी से तो बाद में मरेगा, प्यास से पहले मर जाएगा। और तभी अचानक हमला होता है, पानी का राक्षस मगरमच्छ एकदम से पानी से निकल कर आता है और बुशबक पर हमला कर देता है। मगर जैसा कि मैंने कहा, बुशबक एक्सपीरियंस खिलाड़ी लगता है, वो पहले से ही चौकन्ना था। देखिए इसने कितनी फुर्ती से खुद को मगरमच्छ के जबड़े में फंसने से बचाया और कैसे मुड़कर भाग गया। वाओ, मैं तो बुशबक का फैन हो गया हूँ। नंबर 8, कैंगरू रैट एस्केप्स फ्रॉम स्नेक। सांप अक्सर चूहों को अपना शिकार बनाते हैं, मगर इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कैंगरू रैट ने सांप से अपनी जान बचाई। इस सांप ने रैट पर हमला करने के लिए जैसे ही झपट्टा मारा, रैट ने छलांग लगा दी। देखिए किस तरह सांप बार बार मुंह खोलकर रैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर ये चूहा भी उछलने के मामले में कुछ कम उस्ताद नहीं है।
चूहा किसी तरह उछलता कूदता सांप के चंगुल से बचकर भाग गया। नंबर 7, एंटीलोप एस्केप्स फ्रॉम लायनेस। ऐसा कई बार होता है जब एंटीलोप शेरों को भी चकमा दे देता है। ये वीडियो देखिए कैसे इस गड्ढे में घात लगाकर बैठी है ये शेरनी, और ऊपर बेखबर एंटीलोप बढ़िया घास चर रहे हैं। शेरनी को बस मौके का इंतजार है, और वो बस छलांग लगाने ही वाली थी कि एक एंटीलोप उधर भटकता हुआ आ गया। उसने शेरनी को देख लिया। शेरनी का पूरा प्लान चौपट हो गया। सिर्फ पलक झपकने की देर थी, सारे एंटीलोप्स वहाँ से 9-2-11 हो गए। नंबर 6, विल्डबीस्ट एस्केप्स फ्रॉम क्रोकोडाइल। भैंसों की तरह ही विल्डबीस्ट भी शिकारियों का एक पसंदीदा शिकार है, और अफ्रीका के जंगलों में विल्डबीस्ट की भिड़त अक्सर अपने शिकारियों से होती रहती है। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए, विल्डबीस्ट आराम से पानी पी रहा था कि तभी अचानक पानी में से इस भूखे मगरमच्छ ने हमला कर दिया। विल्डबीस्ट पूरी तरह से घबरा गया और जान छोड़कर वहाँ से भागा। पास ही पेड़ की साख पड़ी थी, उस पर चढ़ गया और किसी तरह गिरता पड़ता आखिरकार अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही गया। नंबर 5, वॉर्थॉग एस्केप्स फ्रॉम क्रोकोडाइल। इस वीडियो में आप फिर एक मगरमच्छ को बेइज्जत होते हुए देखेंगे। ये जंगली सुअर आराम से नदी किनारे पानी पी रहा है कि तभी अचानक उस पर वार हो जाता है। मगर ये मगरमच्छ की गलती थी कि वो पहले ही वार में इस वॉर्थॉग की गर्दन या पैर नहीं पकड़ पाया, और इस फुर्तीले वॉर्थॉग के लिए एक एक्स्ट्रा मोमेंट ही बहुत था मगरमच्छ के ऊपर से चढ़कर निकल भागने के लिए। वॉर्थॉग जैसे फुर्तीले शिकार को दूसरा मौका देने का मतलब है कि आज आपको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नंबर 4, ज़ेब्रा एस्केप्स फ्रॉम क्रोकोडाइल। इस ज़ेब्रा को कीचड़ में लथपथ देखकर आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये होली तो नहीं खेल रहा, मगर दरअसल बेचारा कीचड़ में फंस गया है। जंगल एक ऐसी जगह है जहां अगर आप चौकन्ने नहीं हैं या कहीं अटक गए हैं तो आप पक्का मुसीबत में हैं। यही देख लीजिए, ये आफत रेंगती हुई बड़ी चली आ रही है इस ज़ेब्रा की तरफ। मगर लगता है ये ज़ेब्रा आज अपनी किस्मत लिखवा कर लाया है, इसलिए बिल्कुल ऐसे मौके पर कीचड़ से बाहर निकला कि अगर एक और सेकंड की देर हुई होती तो आज ये ज़ेब्रा मगरमच्छ के पेट में होता। मगरमच्छ भी सोच रहा होगा, गजब उल्लू बनाया यार। नंबर 3, वॉर्थॉग एस्केप्स फ्रॉम लेपर्ड। वैसे तो लेपर्ड जंगल का डॉन है, और इसके चंगुल से निकल भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर ये वीडियो क्लिप साफ तौर पर लेपर्ड की बेइज्जती का सबूत है। देखिए यहाँ वॉर्थॉग और लेपर्ड के बीच घमासान हो रहा है। एक झलक देखने पर तो लगता है कि वॉर्थॉग का मुलायम गोश्त लेपर्ड के दांतों तले पिसकर ही रहेगा, मगर आज वॉर्थॉग का मरने का मूड नहीं है। वह बड़ी देर तक लेपर्ड से लड़ता रहा और मौका पाकर लेपर्ड की पकड़ से छूटकर भाग जाता है। बेचारा लेपर्ड, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। नंबर 2, इम्पाला एस्केप्स फ्रॉम लेपर्ड। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक इम्पाला एक लेपर्ड के चंगुल से छूटकर भागता है। इस लेपर्ड ने इस इम्पाला को गर्दन से पकड़ लिया है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। वहीं उसके दो छोटे बच्चे इम्पाला की टांगों से लिपटकर किसी तरह अपने पापा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता है आज अपने बच्चों के सामने पापा की बेइज्जती होने वाली है। इस इम्पाला ने एक ही झटके में दोनों बच्चों को झटक दिया और इस लेपर्ड को सींग से इस कदर खदेड़ने लगा कि इम्पाला के पूरे खानदान में कभी किसी ने लेपर्ड को इतनी बुरी तरह नहीं मारा होगा। लेपर्ड को सबक सिखाकर इम्पाला वहां से निकल लेता है। नंबर 1, बफलो एस्केप्स फ्रॉम टाइगर। टाइगर को जंगल का सचिन तेंदुलकर माना जाता है। अगर ये मैदान में उतरा है तो सेंचुरी बनाकर ही लौटेगा, यानी शिकार करके ही रहेगा। मगर यहाँ इस वीडियो में टाइगर भाई साहब 99 रन पर आउट हो गए। टाइगर ने इस बफलो को गर्दन से पकड़कर दबोच लिया था और लगभग उसे निपटा ही दिया था कि तभी अपनी ओर आती हुई दूसरी भैंसों की तरफ लपक पड़ा, और उसके बाद तो सारी भैंसों ने मिलकर टाइगर को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। क्या टाइगर भाई, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को छेड़ने ही क्यों गए? हो गए ना आउट। आज पेट पर गीला कपड़ा बांधकर सोना, भूख थोड़ी कम लगेगी। तो ये थे कुछ चुनिंदा वीडियोस जहां शिकार ने शिकारी की आंखों में धूल झोंक कर अपनी जिंदगी के दिन थोड़े और बढ़ा लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन सारे वीडियोस में से सबसे मजेदार वीडियो आपको कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।